दोस्तों इस ट्रैक्टर में मिलता है आपको टर्बाइन टाइप एयर कूलिंग सिस्टम, जिसमें भाई साहब आपके रेडिएटर को फैन को जैसे कि बड़े बड़े जहाजों के डिजाइन को डिजाइन किया जाता है, उस तरह से आपको यहाँ पे टर्बाइन फैन देखने को मिलता है, जिससे आपके ट्रैक्टर की कूलिंग सिस्टम को दुगना और तिगना कूलिंग सिस्टम बनाया जाता है, जिससे आप अगर बात करें तो आपके ट्रैक्टर को कितने भी लोड पर आप चलाएं आपका ट्रैक्टर को गर्म होने नहीं देगा ये, और आपके ट्रैक्टर के कूलेंट को भी घटने नहीं देता है। चलिए बात करते हैं भाई साहब आज एक ऐसे तगड़े ट्रैक्टर के बारे में जो कि मात्र 50 एचपी के अंदर काम करता है, 55 और 60 एचपी के बराबर का। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट एक्सल वगैरह की, तो भाई साहब आपको बीवेल टाइप फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है, जिसमें होता यह है कि भाई साहब अगर आप इस ट्रैक्टर को पडलिंग के लिए चलाएंगे तो भाई साहब आपके लिए ये ट्रैक्टर सबसे बेहतरीन माना गया है। उसके बाद फ्रंट एक्सल भाई साहब इसका फुल्ली सील्ड है, मतलब कहीं से भी इसमें ना तो मिट्टी ना ही पानी जाने वाला है, जैसे कि हम ये शिकायत प्लेनेटरी ड्राइव फ्रंट एक्सल में देखने को मिलती है, जो कि हमें किसी बड़ी कंपनियों के ट्रैक्टरों में देखने को मिलती है, जो कि बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों में आसानी से देखने को मिलता है। पर भाई साहब ये फ्रंट एक्सल एक ऐसा एक्सल है जिसमें आपको कम से कम लीकिंग देखने को मिलेगी और मेंटेनेंस फ्री फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है। मैसी फर्गुसन ने भाई साहब पूरे इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा के भाई साहब जहां पे देखिए आपको करारों का फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा, जो कि मैसी फर्गुसन ने स्पेशल इस मॉडल के लिए बनवाया गया है। और भाई साहब डिफरेंशियल इसका देखिए आप कि मतलब 55 से 60 एचपी के आसपास के लिए बनाया गया, मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी पावर लगाएगा। जब 45-50 एचपी कैटेगरी के ट्रैक्टर में 55 से 60 एचपी कैटेगरी का फ्रंट एक्सल लगाया गया है तो वो भाई साहब क्वालिटी आप समझ सकते हो। उसके बाद मैसी फर्गुसन ने टेक्नोलॉजी के नाम पर भाई साहब यहाँ पे आपको स्टेयरिंग लिमिटर दिया हुआ है, ताकि किसान अपने हिसाब से ट्रैक्टर के टर्निंग रेडियस को घटा और बढ़ा सकता है। और बात करें भाई साहब मैसी फर्गुसन ने ना तो कभी कॉस्ट कटिंग का नाम काम किया है और ना ही कर रही है। यहाँ पे देखो आपको एक प्रॉपर ऐसा बम्पर लगा के दिया गया है जिसमें कभी भी आप चाहें तो जेरिकेन वेट एक्स्ट्रा वेट आप लटका सकते हो इस ट्रैक्टर पर। और फ्रंट में अगर हम बात करें 80 एम्पीयर की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, वो भी एमरॉन की ब्लैक सीरीज की है। और इसके बात करें एयर फिल्टर के बारे में, तो एयर फिल्टर भाई साहब आपको डुअल एलिमेंट टाइप देखने को मिलता है, जिसमें आप चोकिंग सेंसर के साथ मिलता है, तो अगर आपका एयर फिल्टर कभी भी चोक वगैरह होता है तो वो आसानी से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इस तरफ आपको कूलेंट बॉटल वगैरह देखने को मिलती है। फ्रंट से कुछ इस तरीके का ट्रैक्टर देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी भारी भरकम ट्रैक्टर को बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इंजन की, तो भाई साहब 2700 सीसी का 50 एचपी कैटेगरी के अंदर आने वाला ये ट्रैक्टर भाई साहब अच्छे अच्छे ट्रैक्टरों को मात देता है। और अगर हम बात करें इसके किलोवाट की, तो भाई साहब 38 से 39 किलोवाट के आसपास की ये पावर आउटपुट देता है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आता है। इसमें आपको किसी भी तरीके का सीआरडीआई नॉर्म्स पर अभी ये नहीं आया हुआ है। और सिम्पसन का इंजन है, तो भाई साहब आप समझ सकते हैं कि पावर और डीजल के एवरेज के मामले में ये ट्रैक्टर भाई साहब नेक्स्ट लेवल पर होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें इसको बनाया गया भाई साहब चेन्नई के अंदर, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर आपको प्लेट दी गई है और सिम्पसन का इंजन है इसमें। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पंप वगैरह की, तो आपको माइक्रो बॉश का इनलाइन पंप देखने को मिलेगा, और आपको जो लिफ्ट पंप और पावर स्टीयरिंग पंप है वो भाई साहब मिलेगा आपको टेंडम सिलेंडर टाइप, मतलब यहाँ पे आप देखो दोनों ही कनेक्टेड हैं, आपका कोई भी पंप खराब होता है तो दोनों की रेख रेख एक साथ आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल फिल्टर की बात करूँ, तो वाटर सेपरेटर प्लस फ्यूल फिल्टर दोनों एक साथ मिलते हैं, मतलब कभी भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि इसके नीचे जैसे ही आप ये ढक्कन खोलोगे तो इसका सारा पानी जो कि बाहर निकल जाएगा, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है उसमें भाई साहब आपका डीजल फिल्टर है, जिससे आपके डीजल को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद क्लच हाउसिंग की बात करूँ, तो भाई साहब काफ़ी बड़ी क्लच हाउसिंग दी गई है, पर श्रेणी के हिसाब से काफ़ी मतलब डिसेंट साइज की रखी गई है। और बात करूँ यहाँ पे अगर क्लच ब्रेक पैडल वगैरह की, तो यहाँ पे क्लच ब्रेक पैडल जो है कि अप टू डाउन टाइप देखने को मिलते हैं, जिससे होता ये है कि आप कभी भी ट्रैक्टर को चलाना चाहते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इसको ऑपरेट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम डीजल टैंक की बात करें, तो भाई साहब 58 लीटर का आपको यहाँ पे डीजल टैंक देखने को मिलता है, और यहाँ पे डायना स्मार्ट सीरीज की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और आज बात करेंगे भैया मैसी फर्गुसन के 254 DI स्मार्ट सीरीज के ट्रैक्टर के बारे में, इसकी पूरी डिजाइनिंग आपको दिखा ही देता हूँ।
इसके पहले अपन देखें तो भाई साहब यहाँ पे आपको डीजल टैंक जो है वो आपको ऊपर जैसे कि हर मैसी में देखने को मिलता है, वो अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं भाई साहब, ये है मैसी फर्गुसन का 254 DI। भाई साहब बहुत तगड़ा ट्रैक्टर है, 50 HP कैटेगरी में है और कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर को स्पेशली पडलिंग के लिए लॉन्च किया हुआ है। जी हाँ, पडलिंग स्पेशल ट्रैक्टर है। आप ये कहीं से नहीं कह सकते कि अगर ये आपको पडलिंग करनी है तो किसी भी ट्रैक्टर में आप इससे मुकाबला करवा लेना भाई साहब। खुला चैलेंज है कि भाई साहब ये ट्रैक्टर जहां से आप निकालना चाहें, कितनी भी गीली मिट्टी हो, कितना भी गहरा पानी हो, भाई साहब ये ट्रैक्टर ऑन द टॉप रहेगा हमेशा। क्योंकि भाई साहब इसमें आपको टायर कुछ इस डिज़ाइन के लगा के दिए हैं कंपनी ने कि ये जो डिज़ाइन है इसमें देखो आपको 4 अंगुल की तो ग्रिप मिलती है, मतलब कितनी ज़्यादा मतलब इसमें ग्रिप देखने को मिलेगी। और भाई साहब ये टायर बनाए ही इसी हिसाब से जाते हैं कि भाई साहब ट्रैक्टर में आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन मिल सके। उसके बाद आप बैठक वगैरह की बात करें तो आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है जो कि भाई साहब मैसी फर्गुसन की एक काफ़ी लंबी से भाई साहब पहचान बन चुकी है। उसके बाद आपको प्रॉपर साइड शिफ्ट गेयरबॉक्स देखने को मिलता है। रेंज लीवर में आपको हाई लो मीडियम, इस तरफ आपको 1, 2, 3, 4 का मेन गियर लीवर में गेयरबॉक्स देखने को मिलता है और यहाँ पर मिलता है आपको शटल शिफ्ट गेयरबॉक्स। मतलब आप जिस गियर में आगे जा रहे हैं उसी गियर में मात्र एक झटके के अंदर आप वापस भी उसी स्पीड में जा सकते हो। उसके बाद बोनट वगैरह की बात करूं तो भाई साहब यहां पे आप बोनट की डिज़ाइन जो है कि लगभग थोड़ा सा सबसे नीचे रखी गई है ताकि ट्रैक्टर के लुक को डबल किया जा सके और थोड़ी सी नई युवा पीढ़ी को लुभाया जा सके। इसके बाद यहां पे हैंड थ्रॉटल पोजीशनिंग सिस्टम देखने को मिलता है जो कि सभी ट्रैक्टरों में देखने को मिलता है, नॉर्मली है ये सब सारी चीज़ें। बाकी अगर मीटर की बात करें तो भाई साहब पूरा एनालॉग मीटर देखने को मिलता है। बाकी एनालॉग मीटर भाई साहब काफ़ी गंदा है, एजेंसी में काफ़ी समय से ये खड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे चोक मिलती है आपको मैसी फर्गुसन का, एक आपको यहाँ पे रिमोट देखने को मिलता है जिससे आप अपने ट्रैक्टर की घर बैठे लॉक अनलॉक और लाइट्स को जला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें लाइट्स का स्विच यहाँ पे इस तरफ देखने को मिलता है, इस तरफ आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ग्रैब हैंडल वगैरह देखने को मिलेंगे। भाई साहब मैसी फर्गुसन मात्र एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको फुल्ली सील्ड लिफ्ट लीवर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो आपको पूरा कवर देखने को मिलता है भाई साहब, पूरा जितना लिफ्ट का टापा है वो पूरा कवर करके रखा गया है। ये भाई साहब मुझे वाकई अपनी तरफ से अच्छा लगा भाई साहब, क्योंकि इसमें काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह जो कि लगती है और लिफ्ट के लीवर को बहुत ढीला कर देती है, उसकी लाइफ को बचाने के लिए मैसी फर्गुसन ने ये बहुत सही इंतज़ाम किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपको ब्रेक का जो है कि हैंड ब्रेक देखने को मिलता है जिससे आप अपने ट्रैक्टर को पार्क कर सकते हो कहीं भी। उसके बाद यहाँ पे आपको भाई साहब क्वाड्रा PTO देखने को मिलती है जिसमें आपको लाइव PTO, ग्राउंड स्पीड PTO और मल्टी स्पीड PTO देखने को मिलती है, ये देखिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें 4-व्हील ड्राइव को एंगेज और न्यूट्रल करने के लिए ये लीवर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे भैया ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में तो भाई साहब पिछला हिस्सा, उससे जाने से पहले इंडिकेटर की बात करूं तो भाई साहब इंडिकेटर इमर्स्ड बॉडी रखी गई है, मतलब कि ट्रैक्टर की बॉडी के अंदर है, कोई भी बंदा इस पर अगर हाथ भी रखता है तो ये कभी भी टूटेंगे नहीं, आसानी से इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बनाई जाएगी। टायरों की बात करूं तो भाई साहब 9520 का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा, वो भी भाई साहब दुनिया की बेस्ट कंपनी BKT कंपनी का टायर देखने को मिलेगा और आगे आपको 1428 का BKT कंपनी का टायर देखने को मिल जाता है। और अगर हम पिछले हिस्से की अगर हम बात करें तो भाई साहब पिछला हिस्सा आपको 2050 किलोग्राम की आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है जो कि भाई साहब आम 50 HP नॉर्मल किसी ट्रैक्टर में हमको देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद इस ट्रैक्टर के मडगार्डों की बात करूं तो भाई साहब आपको अगर ट्रैक्टर के मडगार्ड उतार के रखने हैं तो मात्र 4 नट के अंदर आप इसके मडगार्डों को खोल कर साफ करके वापस लगा भी सकते हो। यहाँ पे देखो ये दो नट इस तरफ और 2 नट उस तरफ रखे हुए हैं जिससे आप अपने ट्रैक्टर की देखरेख को डबल और ट्रिपल कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी आपको प्रॉपर आपको देखिए यहाँ पे जो कि टॉपलिंग वगैरह देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको SCV वॉल देखने को मिलती है और सबसे शानदार जो मतलब इसमें फीचर दिया गया है वो दिया गया है कि अगर आपको सिर्फ ये वॉल चलानी है कभी तो मात्र इसको आसानी से आप बंद कर दीजिए इस नॉब से और मात्र आप एक SCV वॉल्व चला सकते हो, और अगर आप दोनों चलाना चाहते हो साथ में तो भाई साहब दोनों को आप इसमें
ऑपरेट कर सकते हो, मतलब कि भाई साहब आपको पल्टी प्लाउ चलाना है, लेजर लेवलर जैसे उपकरण चलाना है, तो भाई साहब इसमें आप आसानी से चला सकते हो। और उसको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड लीवर दिया गया है। उसके बाद सेंसिंग पॉइंट्स वगैरह की बात करूं तो आपको 3 सेंसिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं, जो कि कंपनी का काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। और हिच को थोड़ा सा और बाहर निकाल के अगर लगाना है तो आप यहाँ पर लगाएं, और अगर आपको थोड़ा सा अंदर लगाना है तो यहाँ पर लगा सकते हो, जो कि भाई साहब काफ़ी शानदार फीचर है। और अगर आपको लगे लगे में पीटीओ चलानी है तो भाई साहब जिस तरीके से लगा हुआ है इसी तरीके से आप लगा के आसानी से पीटीओ को भी ऑपरेट कर सकते हैं, साथ में ही ट्रॉली को भी चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब एक अच्छे ट्रैक्टर की निशानी होती है। उसके बाद पिछले एक्सल की बात करूं तो आपको यहां पे प्लेनिटी ड्राइव फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा। और भाई साहब अगर हम बात करें लिफ्ट को एडजस्टमेंट की तो आपको टेलीस्कोपिक फीचर देखने को मिलता है, जिससे आपके ट्रैक्टर के खाली चलाते समय आपके टायर जो कि ख़राब नहीं होते हैं, और एक टाइन आपको यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिलती है। इस तरफ आपको नॉर्मल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको टूल बॉक्स देखने को मिलेगा, इस तरफ आपको जो कि प्रॉपर मैसी फर्ग्यूसन की यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगी, प्रॉपर आपको साथ में एक्स्ट्रा चाबियाँ देखने को मिलेंगी, पाने वगैरह, ग्रीस गन, जो सारी चीज़ें हैं भाई साहब मैसी फर्ग्यूसन प्रॉपर लगा के देता है। बाकी भाई साहब ये वीडियो था मैसी फर्ग्यूसन के 254 डायनाट्रक सीरीज़ के बारे में। वीडियो कैसा लगा भाई साहब प्योर 50 HP ट्रैक्टर के बारे में? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान, जय किसान।